नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है विनीत और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना किसी भी बैंक का चेक अपने खाते में लगा सकते हो। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में लगाऊंगा और उसके लिए कैसे फॉर्म भरते हैं ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों सीधा चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ। तो जैसे ही आप ये देख पा रहे हो, ये डेट का ऑप्शन है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि आप चेक के ऊपर देख पा रहे हो कि दो लाइन साइड में लगा रखी हैं, इसका मतलब क्या है कि वो चेक अकाउंट पे ही है। अगर वो दो क्रॉसिंग ना होती तो मैं बैंक जाकर सीधा कैश भी ले सकता था अपनी आईडी दिखा करके, लेकिन अब दो लाइनें ऊपर लगा दी है मतलब चेक अब आप अकाउंट पे ही हो गया है, तो अब वो मेरे खाते में ही लगेगा। तो अब आप देखिए कि कैसे मैं फॉर्म भरकर उसको अपने खाते में लगाता हूँ। तो जैसे दोस्तों आज है 8 मई, तो मैं इसमें तारीख भरूंगा, ये मैंने तारीख भरी है। मान लीजिए दोस्तों मेरी ब्रांच है लाडवा, तो मैं यहाँ लाडवा लिखूंगा और मैं दोस्तों यहाँ अपना खाता नंबर लिखूंगा। दोस्तों 15 डिजिट का खाता नंबर मैं अपना लिखने के बाद अपना नाम लिखूंगा। चेक क्योंकि मेरे ही नाम से है और मेरे ही खाते में लग सकता है। अब दोस्तों मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा, तो जो आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप जरूर लिख दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी अगर हो सकती है तो आप लिख दीजिए, अगर आपकी नहीं है तो आप मत लिखिए, ये आपके पास ऑप्शनल रहेगा। उसके बाद अब आपने दोस्तों शब्दों में पैसे लिख देने हैं। जैसे मेरा 40,000 का चेक है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने अब शब्दों में पैसे लिख दिए हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर 40,000 लिखने के बाद डंडा मार दूंगा ग्रैंड टोटल। दोस्तों इस तरह से आप इसको भरेंगे, ये वंस, टेंस, हंड्रेड, ये थाउजेंड्स, ये लैक्स और ये करोड़्स के लिए होता है। तो अब मेन बात पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है चेक नंबर, डेट और नेम ऑफ बैंक ब्रांच। चाहे तो दोस्तों आप स्पेसिंग के हिसाब से यहीं एक ही लाइन में लिख दें, या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे चेक नंबर जो 6 डिजिट का चेक नंबर है, आपको चेक के ऊपर जो मैं पॉइंटर के थ्रू दिखा रहा हूँ वो चेक नंबर आप इस पर लिख दोगे। डेट तो दोस्तों डेट डाल दोगे आप 8/5/2020। और उसके बाद दोस्तों आपने लिखना है नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच, तो ये आप लिख देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो ब्रांच है दोस्तों चेक के ऊपर चाहे तो आप लिख दीजिए चाहे नहीं, ये इतना मैंडेटरी नहीं होती, तो ब्रांच का नाम ऑप्शनल होता है। अब यहां पर दोस्तों मैं अपना साइन कर दूंगा। तो साइन करने के बाद दोस्तों ये पार्ट मुझे नहीं भरना, ये मुझे तभी भरना होता है जब मैं खाते में कैश जमा करता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों ये पार्ट, ये भी पार्ट ऑप्शनल होता है, क्योंकि अगर तो आप इस चेक को ड्रॉप बॉक्स में डालोगे तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं होती, फिर तो इतना भरो, पिन लगाओ और ड्रॉप बॉक्स में डाल करके आप चले जाइए। लेकिन अगर आपको दोस्तों ये भरना हो तो ये भी आप भर दोगे। अगर आपको चेक काउंटर पे देना है, मान लीजिए ड्रॉप बॉक्स नहीं है, तो आप इसको भी भर देंगे। क्लियर नहीं, मैं क्लियरली सारा कुछ मैं इसमें लिख दूंगा। अब वही दोस्तों मेरा यहां जो भी खाता नंबर है खाता नंबर आ जाएगा, नाम है अपना लिखूंगा, मोबाइल नंबर, अमाउंट दोस्तों मेरी यहां पर आ जाएगी और यहां पे दोस्तों मैं लिख दूंगा शब्दों में। अब उसके बाद यहां पे मैं लिख दूंगा ग्रैंड टोटल। जरूरी नहीं दोस्तों आपने डब्बों के हिसाब से लिखना है, आप अगर बड़ा बड़ा 40,000 लिख देंगे और क्लियरली वो समझ आएगा तो भी चल जाएगा। अब इसको आपने दोस्तों देकर काउंटर पे इस पर मोहर मरवा करके साइन करके आप रिसीविंग ले सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ड्रॉप बॉक्स में डालकर चले जाएंगे, वो भी बहुत होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चेक के किनारे पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक डेट लिखी होती है,
तो जिस तारीख को वो चेक इशू होता है उससे 3 महीने तक वो वैलिड रहता है, यानी उससे 3 महीने तक आप कभी भी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये था तरीका, इस तरह से आप किसी भी चेक को अपने खाते में लगा सकते हैं। और इस तरह दोस्तों प्रॉपर आप भर के चेक हमेशा दीजिए और फ़ोन नंबर आप हमेशा लिखिए, क्योंकि अगर कोई गलती रहेगी तो बैंक वाले आपसे फ़ोन करके आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बैंक में अपने बैंक खाते में चेक लगाने की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह से दोस्तों मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।